ये उन्होंने स्पष्ट किया था कि जिस घर में शराब मिलेंगे उस घर को सील कर दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, शराब आपके राज्य बिहार में मिल रहा है तो आपके सीएम हाउस को सील क्यों नहीं किया जाए? उन मासूम को अपने गोदी में लेकर के समीक्षा कीजिए, उन एसपी डीएम स्थानीय थाना प्रभारी के ऊपर 302 का मुकदमा आप क्यों नहीं चलाते हैं? आपके द्वारा लाया गया यह कानून, हमको इस कानून को काला कानून कहेंगे, संस्थापक के द्वारा जो पार्टी बनाई गई थी लोक जनशक्ति पार्टी, उसके पूरी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आप परिवार के एक गद्दार चाचा के द्वारा पूरे परिवार को, पूरे पार्टी को छित्र बितर कर दिया गया। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। इस वक्त हमारे साथ भारत लाइव के स्टूडियो में लोजपा रामविलास के मीडिया प्रभारी, यानी कि जब मीडिया पैनल था लोजपा रामविलास का तो उस समय मीडिया प्रभारी के पद पर थे कृष्ण कुमार कल्लू जी, काफी बार आ चुके हैं आप, अक्सर भारत लाइव के चैनल पर आप इन्हें देखते हैं। ये अपने अंदाज के लिए बेहद प्रचलित हैं। आपको बता दें कि ये अक्सर पोस्टर लगाते रहते हैं पटना के सड़कों पर। अब जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शराबबंदी पर समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं तो इन्होंने एक फिर से पटना के सड़कों पर एक बड़ा पोस्टर लगाया है, जिस पोस्टर के माध्यम से इन्होंने बहुत सारे सवाल किए हैं। सवाल जो है नीतीश कुमार से है, सीधे तौर पर शिक्षा को लेकर के बिहार में इतने दिनों के बाद भी जो है लोग सड़क पर रहने के लिए मजबूर है, उसको लेकर के तमाम तरह के जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के सवाल किया जा रहा है। आपसे अब एक सवाल है, सीधा सवाल है कि नीतीश कुमार जी जब शराबबंदी पर समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं तो ये तो बेहतर काम कर रहे हैं, किसी भी काम का समीक्षा करना, जो खामी है उसे ढूंढ करके फिर से उसे ठीक करना, तो उस पर फिर आप लोगों का वार क्यों है? बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जी पूर्ण शराबबंदी के नाम पर चोला पहन रखे हैं जी। आज जिस तरीके से बिहार के कुछ ऐसे जिले हैं जैसे बेतिया, गोपालगंज वगैरह जो भी हैं, जिन घरों में जलने थे दिए जी, उन घरों में जहरीली शराब पीने के मौत की वजह से उन घरों में जले चीताए जी, इसके मुख्य जिम्मेवार बिहार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी जी, क्योंकि इनके द्वारा ही पूर्ण शराबबंदी एक लागू किया गया था, एक विजन लाया गया था उनके द्वारा जी, लेकिन वो पटल पे कभी नहीं आया जी। आप देख लिए कुछ दिन पहले नालंदा नवादा में भी इस तरीके का घटना घटा था जी, मुजफ्फरपुर में भी घटना घटा था, और ये घटना लगातार बिहार में जब से शराबबंदी हुआ है जब से ये घटना घट रहा है जी। तो आप नीतीश कुमार जी बैठक जो कल बुलाए हैं समीक्षा बैठक जी, किस टाइप का समीक्षा बैठक बुलाए हैं? अपने तिजोरी में जो खजाना जो भरा हुआ है उसमें कितना वसूली हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अकाउंट है उस अकाउंट में कितने रुपए पहुंचे हैं और कितने रुपए नहीं पहुंचे, जो कैसे पहुंचेगा इसकी वो समीक्षा कर रहे हैं व्यक्तिगत? माननीय मुख्यमंत्री जी जी अगर आपको समीक्षा ही करना था, अगर आपको समीक्षा ही करना है जी, तो उन घरों में जाकर समीक्षा कीजिए जिन घरों में चिराग बुत गए जी, वो घर अंधेरा हो गया, उन मासूम को अपने गोदी में लेकर के समीक्षा कीजिए, उन एसपी डीएम स्थानीय थाना प्रभारी के ऊपर 302 का मुकदमा आप क्यों नहीं चलाते हैं? आपके द्वारा लाया गया यह कानून, हमको इस कानून को काला कानून कहेंगे जी। आपके द्वारा लाया गया कानून जो है ये बिल्कुल काला कानून है, ये सफल नहीं हुआ। 302 का मुकदमा क्यों नहीं होना चाहिए? अभी तक छोटी मछलियों को आपने पकड़ा और थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया, बड़ी मछलियां कहां है? आपके नेता के द्वारा, आपके संरक्षण के बिना शराब कैसे बिक सकता है जी। तो कहीं ना कहीं अगर सील होना चाहिए
तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आवास एक अन्य मार्ग सील होना चाहिए। नीतीश कुमार जी ने ही ये उन्होंने स्पष्ट किया था कि जिस घर में शराब मिलेंगे उस घर को सील कर दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, शराब आपके राज्य बिहार में मिल रहा है तो आपके सीएम हाउस को सील क्यों नहीं किया जाए? इस तरह की बात आप कह रहे हैं, लगातार सवाल उठा रहे हैं, लोजपा रामविलास भी सवाल उठा रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये भी उठता है ना यहाँ कि जब नीतीश कुमार जी शराबबंदी पर समीक्षा बैठक बुलाए हुए, आप अपने स्तर से बताइए, अपने पार्टी की ओर से बताइए, क्या आपकी पार्टी और आपके पार्टी के मुखिया चिराग पासवान इस बात को मानते हैं कि बिहार में शराबबंदी लागू होनी चाहिए? लोक जनशक्ति पार्टी उस वक्त भी पूर्ण शराबबंदी का हम लोगों ने समर्थन किया था जब शराब 2016 में बंद हुआ था, और आज भी हम इसके खिलाफ नहीं है, शराबबंदी होना चाहिए जी। लेकिन शराबबंदी ऐसा नहीं होना चाहिए कि शराबबंदी के नाम पर कालाबाजारी हो रहा है। बिहार सरकार के अधिकारी, बिहार सरकार के कई मंत्री जो आज शाम में भी पी के टूल रहते हैं जी, अधिकांश मंत्री विधायक बिहार सरकार के मैं स्पष्ट कर दूं आपके चैनल पे, शाम होने के बाद वो लोग अपने आप में ढल जाते हैं जी। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। तो नीतीश कुमार जी, ये किस तरीके की आप समीक्षा कर रहे हैं? आपको समीक्षा की नहीं, आपको आवश्यकता है शिक्षा की जी। किस बात की शिक्षा? सोचिए कि अगर आप अच्छे से शिक्षा होती आपको जी, तो समीक्षा करने की आपको जरूरत ही नहीं होती, तो आपने तो शिक्षा ही नहीं ली जी। आपने शिक्षा के नाम पर चोला पहन रखा है, लेकिन बिहार और समीक्षा करते हैं। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार भी और उनके पार्टी के लोग भी अक्सर दोहरा रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं कि पूरे देश में हत्या को लेकर के भी तो कानून बना हुआ है, सजाएं का ऐलान तो हो चुका है, लेकिन फिर भी लोग जो है हत्याएं कर रहे हैं, सजा होता रहता है, तो ऐसे में शराबबंदी को लेकर के भी तो यही रुख है, लेकिन अगर कहीं कमी कोताही रह गई है तो उसकी समीक्षा करेंगे हम लोग, उसके बाद कहाँ ठीक किया, बेहतर किया जा सकता है, उसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, उस पर बेहतर करेंगे। तो इसमें क्या लगता है आपको कि शराबबंदी बिहार में खत्म ही कर देनी चाहिए? नीतीश कुमार जी, अगर आपसे शराबबंदी नहीं संभल रहा है जी, तो इसको एक ढंग से खोल दीजिए जी। क्यों खोल दीजिए? चूंकि आपसे पूर्ण शराबबंदी नहीं हो पा रहा है जी, तो एक तौर तरीका के माध्यम से उसको खोल दीजिए। जबकि लोक जनशक्ति पार्टी इसका पक्षधर नहीं है जी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हर वक्त चाहेगा कि पूर्ण शराबबंदी बिहार में सफल हो जी। लेकिन इनके रहते सफल कभी नहीं हो सकता है, चूंकि जब सफल होगा तो इनके तक पैसा नहीं पहुंचेगा जी। तो आप मतलब आरोप लगा रहे हैं कि एक ब्लैक मार्केट खड़ा करना निश्चित, बिहार में बाहर हो जहरीली शराब का नीतीश कुमार के द्वारा कारोबार हो। अभी एक और बड़ा सवाल है कि चिराग बुझने की आप बात कह रहे थे, तो चिराग पासवान इस उपचुनाव में कुछ बेहतर नहीं कर पाए, इसको लेकर के अब आगे की रणनीति क्या है, मतलब कैसे? देखिए, ये पूरा मामला शराबबंदी से है जी, और इस मामले में अगर आप राजनीति को जोड़ते हैं तो मैं उसको भी क्लियरिफाई कर दूं जी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक नया नामांकन हुआ जी, हमारे संस्थापक के द्वारा जो पार्टी बनाई गई थी लोक जनशक्ति पार्टी, उसके पूरी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, आप परिवार के एक गद्दार चाचा के द्वारा जी, पूरे परिवार को, पूरे पार्टी को छित्र वितर कर दिया गया जी। आज चुनाव आयोग ने प्रचार से 10 दिन पहले हम लोगों को एक नया सिंबल दिया, हेलीकॉप्टर, जिन्हें लोगों को समझने में थोड़ा सा वक्त लगा। बहरहाल बिहार की जनता ने समझते समझते अपनी जो वोट है, आशीर्वाद है, हम लोगों को दिया, और हम लोगों ने तीसरे नंबर की पार्टी बनके बिहार में रहे, और आज जो 70 साल से पार्टी है कांग्रेस, उस वक्त आपका जन्म नहीं हुआ, उस वक्त हमारी जन्म नहीं होगी जब कांग्रेस का छाप जो था पंजा छाप था, उसको लोग नहीं समझ पाया और उसको चौथे नंबर पर कर दिया लोग, तो हमारी कहीं ना कहीं ये जीत हुई है, हमारी हार नहीं हुई है, क्योंकि तीसरे से ही हम पहला पे जाएंगे। नीतीश कुमार देख लीजिए, पहला से तीसरे पे आ गए। कुल मिलाकर के बात यह है कि बिहार में एक ओर जहां नीतीश कुमार जी समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लोजपा का स्पष्ट कहना है कि अगर आपसे शराबबंदी संभल नहीं पा रही है तो बेहतर होगा कि नीतिगत तरीके से
शराबबंदी को खत्म ही कर दिया जाए। नहीं देखिए, अगर आपसे शराबबंदी नहीं हो पा रहा है सफल जी, तो फिर एक विधेयक पास कराए अपने, एक तौर तरीका के माध्यम से जी इसको ऐसा कर दिया जाए कि किसी को दिक्कत भी नहीं हो, किसी तरीके का कोई बात भी नहीं हो। मैं इसके पक्षधर नहीं हूं जी, पूर्ण शराबबंदी के नाम पे जो नौटंकी कर रहे हैं, जो जहरीली शराब इनके माध्यम से बिक रहा है, माध्यम कौन है? माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माध्यम कौन है? इनके नेता, माध्यम कौन है? इनके अधिकारी प्रशासन। आखिर 302 का मुकदमा एसपी पे क्यों नहीं होना चाहिए, थानेदार पे क्यों नहीं होना चाहिए? नियम लाए ना नीतीश कुमार जी से, मैं आग्रह करता हूं ये नियम लाए ना, कल की समीक्षा बैठक में ये नियम लाए कि जिस थानेदार के क्षेत्र में, जिस डीएम के क्षेत्र में, जिस एसपी के क्षेत्र में शराब अगर मिलती है, इन तीनों लोगों के ऊपर, जो भी अधिकारी वहां के आते हैं बड़े, उनके ऊपर 302 का मुकदमा चलना चाहिए। हम माननीय मुख्यमंत्री से ये सलाह के तौर पे इसको आप देख लीजिए जी। तो सीधे तौर पे कहना है लोजपा रामविलास के जो मीडिया प्रभारी हैं कृष्ण कुमार खल्लू जी, उनका सीधे तौर पे स्पष्ट रूप से कहना है कि जिस क्षेत्र में भी, जिस थाना क्षेत्र में भी जो है शराब बरामद होती है, वहां जो है 302 का मुकदमा बनाया जाए। हाँ बिल्कुल, चलना चाहिए। जुड़े बात लाइव के साथ, जो भी अपडेट होगा बात लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि बात लाइव की खबरों को यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। वो ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।